ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट है फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? स्मॉल जी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सबको मालूम है। मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अभी गेयर दूं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे गिरेगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। वो कितनी स्पीड इंक्रीज करेगा? वो एक्सेलरेट करेगा और उसकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 9.8 होगी। लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई, इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए ये चैप्टर जो स्टार्ट है ये न्यूटन से स्टार्ट है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने वही, आपने बहुत फेमस एग्जांपल है वो एप्पल गिरा और उसने ये ऑब्जर्वेशन ली कि एप्पल ही क्यों गिर रहा है यार, नीचे क्यों गिरे जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा कोई ऑब्जेक्ट, तो सोचने वाली बात थी। तो इसके लिए उसने लॉ निकाला, इसको स्टडी किया और लॉ निकाला। उसने ये लॉ निकाला कि अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 एंड m2 एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो दोनों मासेस एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। रिपेल कभी नहीं करती, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो वो फोर्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, और इन्हें कंबाइन करते हैं तो कॉन्स्टेंट लगता है, और कॉन्स्टेंट का नाम है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब है ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू याद रखनी है 6.67 × 10⁻¹¹। तो ये कैपिटल जी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है। आप मून पे लगा लें, जुपिटर पे लगा लें, अर्थ पे लगा लें, दो बुक्स पे लगा लें, जहां मर्जी लगा लें, जी नहीं चेंज होगा। तो ये पहला फॉर्मूला न्यूटन ने हमें दिया और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही है। दूसरा पॉइंट है न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये इसलिए वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इनकी कोई डायरेक्शन भी होती होगी। और मैं ये बता चुका हूँ कि जो न्यूटन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही है। तो आप इमेजिन कर लें कि आपके पास दो मासेज m1 m2 हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r है। m1 ने m2 को अट्रैक्ट किया बाय अप्लाइंग सम फोर्स ऑफ F(2,1) वेक्टर। रीड कैसे करना है, 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई, और m2 ने m1 को अट्रैक्ट किया बाय अ फोर्स ऑफ F(1,2) वेक्टर, 1 के ऊपर फोर्स लगी, 2 ने लगाई। तो अगर मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं, F(1,2) F(2,1) वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है gm1 m2 / r2, ओनली मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा लो, आई कैप माइनस आई कैप लगा लो तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने दो नए वेक्टर बना लिए जिसका नाम है r12 cap। 12 cap का मतलब 1 से लेके 2 तक की डायरेक्शन बता रहे हैं, और r21 cap का मतलब 2 से 1 की डायरेक्शन बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड इनका भी 1 है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब F12 वेक्टर की डायरेक्शन r12 बता रहे हैं, F21 वेक्टर की डायरेक्शन r21 बता रहे हैं। तो अगर मैं F12 वेक्टर पूछूं तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखनी है उसकी डायरेक्शन, क्योंकि F12 वेक्टर राइट है, r12 वेक्टर भी राइट है, तो ये r12 कैप आ गया। मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका तो 1 ही होता है, फर्क ना पड़ता है इसमें मैग्नीट्यूड लेने से। ऐसी F21 वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बराबर, लेकिन यहाँ पर 21 कैप आएगा। आप इन्हें डिवाइड कर दें, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे ये मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, आपको ये टर्म आएगी। इस टर्म में क्या फ़र्क है, इन दोनों में r12 कैप r21 कैप में -1 का फ़र्क है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। तो यहाँ से ये टर्म क्या देगी, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21 वेक्टर, जो ये शो करता है कि जो न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। एक खास बात, अगर एक स्टूडेंट ये कहे कि मेरे को दो मासेज हैं, मैं ये लॉ लगाना सीख गया, मैं कहा ठीक है, तो मैं घर पर लगाऊँगा, कैसे लगाऊँगा, एक कॉपी लूँगा और एक बैग लूँगा और दोनों का मास तोल लूंगा, m1 m2 आ गया, r डिस्टेंस अपार्ट रखूंगा और मैं f निकाल दूंगा, क्या वो राइट है, क्या वो लगा पाएगा ये फॉर्मूला? क्यों नहीं, ये फॉर्मूला F = gm1 m2 / r2, क्या वो लगा पाएगा? चलो मैं अपनी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, हम दोनों मासेज ले लेते हैं और r डिस्टेंस अपार्ट है, क्या तुम हमारी अट्रैक्टिव फोर्स निकाल पाओगे? पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से gm1 m2 / r2, क्या ये हर जगह चलता है कि कहीं फेल भी हो जाता है? माइक्रो इसको किसी और तरीके से बोलो, नहीं, नंबर 1 ये किसी भी मीडियम में काम करता है, पानी में, वैक्यूम में, कोई फर्क ना पड़ता है, यहाँ पर मीडियम आई नहीं रहा फॉर्मूले में। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो पानी के अंदर भी सेम ही रहता है,
मीडियम पे इंडिपेंडेंट है नंबर वन। नंबर टू, ये फॉर्मूला पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट है। मैं और जुपिटर, जुपिटर और मैं भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आप कहोगे फिर कैसे, मतलब आप क्यों नहीं उस तरफ जा रहे हो, बहुत दूर है, क्योंकि आर इन्फिनिटी है भाई, आर इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, तो एफ ऑलमोस्ट क्या आएगा, जीरो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। तुम अगर ये कहो कि डिस्क और स्फेयर में लग जाए, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, आपको पॉइंट पॉइंट लेके इंटीग्रेट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये सीधा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मतलब लगा भी मत देना गलती से, एक डिस्क है और एक और डिस्क है, उनके बीच में कोई पूछ ले फोर्स कितनी है, तो बिल्कुल मत बोलना कि ये फॉर्मूला चलेगा, तुम्हें दोनों डिस्क के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब इंटीग्रेशन वाला जो ये एलिमेंट्स वाला काम है वो कॉम्पिटिशन का हो गया, पॉइंट मासेस एनसीईआरटी में चला गया, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आज हम सिर्फ काम पॉइंट मासेस पे कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट लेक्चर पॉइंट मास पे काम करेगा, फिर इसको लगाना सीखेंगे, फिर दूसरी दूसरी बॉडीज पे काम करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक पॉइंट मास के लिए।